हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर संदीप तिवारी एंड आई वेलकम टू यू टू ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी दैट इज अपर डिवीजन लव। अपर डिवीजन लव दैट इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। एज यू सी द टाइटल अपर डिवीजन लव, इट मीन्स a person's love to the other person who is upper in society या upper in status। एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम जो अपने से उच्च कैटेगरी के व्यक्ति से या अपने ऊँची से सोसाइटी में अपने से ऊँचे व्यक्ति से प्रेम करे, उसके बारे में स्टोरी है। बहुत प्यारी सी स्टोरी है, एक लव स्टोरी है। और कैसे ये लव स्टोरी रिवेंज में बदल जाती है, जिलेस में बदल जाती है, आप इस स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मनोहर मालगोनकर के बारे में बात कर लें। तो मनोहर मालगोनकर वॉज बॉर्न इन 1913। ही इज़ एन एमिनेंट इंडियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और He served in military department and the princely state in India। वो military department में भी काम किया है और princely state in India मतलब जब राजाओं का राज था इंडिया में उस समय भी शासन किया, क्योंकि आप देख रहे हो 1913 में जन्म हुआ है और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले राजा महाराजाओं का भी शासन था, तो उस समय भी उसने काम किया है। He made full use of military experience and ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। उसने अपने स्टोरीज में, अपने नॉवेल्स में मिलिट्री में जो एक्सपीरियंस मिला था उसके बारे में भी लिखता है वो, और राजाओं के साथ काम करने के बाद उसको जो एक्सपीरियंस मिला उसके बारे में भी बताता है अपनी राइटिंग्स में। ही डिपिक्स नाइसली ही हैज यूज दीज एक्सपीरियंसेस इन हिज राइटिंग्स। अभी मैंने बताया अपनी राइटिंग्स में ये सारे एक्सपीरियंस वो यूज करता ही करता है। He depicts nice varieties of life in his writings। वो life के varieties को भी share करता है अपनी writings में। In the upper division love, he depicts the crazy of young person for film life। Upper division love जो story है इसमें किसके बारे में बताता है, वो एक ऐसे पागल व्यक्ति के बारे में या एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कुछ ज़्यादा ही crazy है, थोड़ा सा पागल है, किसको लेकर के, film life को लेकर के। Hundred of young persons rush to Bombay, including teen-aged girl, for finding a job in film shooting। और वो ये भी बताता है कि हमारे सैकड़ों बच्चे जो युवा अवस्था के हैं वो कैसे बॉम्बे भागते हैं, उसमें लड़कियां भी शामिल होती हैं फिल्म लाइन में जाने के लिए या फिल्म शूटिंग में काम करने के लिए। आगे देखते हैं। अपर डिवीजन लव इज द स्टोरी ऑफ अट्रैक्टेड लव ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क फॉर एन एमिनेंट फीमेल आर्टिस्ट ऑफ फिल्म लाइफ, सुंदर बाला। ये जो स्टोरी है अपर डिवीजन लव, ये ऐसी स्टोरी है या एक ऐसी स्टोरी है किसके बारे में, एक लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में। अपर डिवीजन लव है जो किसके द्वारा किया जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क के द्वारा। एक क्लर्क है लोअर डिवीजन का मतलब लोअर कैटेगरी का, वो अपने से अपर डिवीज़न मतलब अपने से ऊंचे सोसाइटी में रहने वाली एक फिल्म हीरोइन सुंदर बाला से प्रेम करने लग जाता है। तो ये उसकी स्टोरी है कि एक लोअर डिवीज़न क्लर्क कैसे सुंदर बाला जो एक फिल्म की हीरोइन है उससे कैसे प्रेम करता है। तो आप समझ ही गए होंगे टाइटल कि है तो लोअर डिवीज़न क्लर्क मतलब क्लर्क कैटेगरी का है, ऑफ किसके सपने देख रहा है, किससे प्रेम कर रहा है, वो हीरोइन से। तो अपर डिवीजन हो ही गया। आगे देखते हैं। सच एन अनइक्वल लव वॉज टू बी प्रूव्ड अ फेलियर एट द लास्ट एंड इट हैपेंड सो। हमारी सोसाइटी में या जैसा कि हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो लव है, अनइक्वल लव, अनइक्वल लव कहना ही सही है क्योंकि वो फिल्म की हीरोइन और ये क्लर्क, तो इन दोनों में प्रेम एक अनइक्वल लव है। हालांकि अपवाद हर जगह है, लेकिन मोस्टली क्या देखा जाता है, एक अनइक्वल लव क्या होता है, प्रूव्ड फेल, ये फेल हो जाता है। ऐसा लव, ऐसा प्रेम किसी का सक्सेस नहीं होता है, और यही इस स्टोरी में होता है। इट हैपन्ड सो, ऐसा ही यहाँ पे होता है,
देखिए कैसे, बट इट रिजल्टेड इन जेलस एंड ह्यूमिलिएशन। लेकिन यहाँ पे फेल तो हो जाता है, लेकिन ये क्या रिजल्ट बन जाता है या क्या चीज़ लेकर के आता है, ये जेलस और ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन क्या हो गया, किसी को अपमानित करना, और जेलसी ईर्ष्या। लेकिन यहाँ पे ईर्ष्या और अपमान की भावना आ जाती है, देखिए कैसे। सुंदरबाला टू हैड फेल्ड लोअर डिवीजन क्लर्क्स पैशन फॉर हर सेल्फ एंड सी कुड बट लाफ एट हिज फुलिश एडवेंचर। सुंदरबाला जो हीरोइन है वो भी इस चीज़ को फील कर लेती है कि लोअर डिवीजन जो क्लर्क है वो उसको प्रेम करता है, उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो केवल उसके इस एडवेंचर पे या फुलिश एडवेंचर पे मुस्कुराती है या हंसती है, या वो इस बात पे हंसती है कि देखो छोटा सा व्यक्ति जो है मुझसे प्रेम करने चला है या मेरे बराबरी करने चला है, ऐसा सोच करके वो हंसती है। और यही उसका हंसना उसके लिए एक ह्यूमिलेशन या अपमान की भावना उसके मन में लेकर के आता है। और जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, जो हमेशा सोचता था कि फिल्म की हीरोइन है, कितना अच्छा प्ले करती है, रोल कितना अच्छा करती है, कितने शांत स्वभाव की है जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही दिखता है उसको, तो उसके मन में उसके लिए क्या है, फीलिंग्स जो है बदल जाती हैं, वो उससे घृणा करने लग जाता है। आगे देखते हैं द स्टोरी shows that lower division clerk could go any extent to satisfy his jealous feeling against Ramakant, who had tried to teach him a lesson by giving him a heavy blow on his chin with his fist. इसमें जो रमाकांत नाम का कैरेक्टर है वो हीरो का कैरेक्टर है या हीरो का रोल करता है इस स्टोरी में, और इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक लोअर डिवीजन क्लर्क जो अपने प्रेम में असफल हो जाता है वो किसी भी सीमा तक जा सकता है सबक सिखाने के लिए किसी को भी, जैसा कि इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क करता है रमाकांत के साथ, जिसने उसको लोअर डिवीजन क्लर्क को एक बार उसकी ठोड़ी पे एक घूंसा मारा था उसको एक लेसन सिखाने के लिए। ये कैसे क्या हुआ था आगे अभी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो आप देख लीजिए केवल इतना ही। फिर देखिए, आफ्टर अ सीरीज ऑफ ड्रामेटिक इंसिडेंट्स द लोअर डिवीजन क्लर्क रियलाइजेस द अटर फ्यूटिलिटी ऑफ हिज पैशन। और बहुत सारे जब असफलता देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क अपने इस फ्यूटिलिटी ऑफ पैशन के बारे में सोचता है कि मैं कितना पागल हूँ जो ऐसा प्रेम करने चला हूँ, इसके बारे में सोचता है। द स्टोरी ऑल्सो शोज द आर्टिफिशियलिटी एंड हॉलोनेस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री वेयर देयर वॉज नथिंग डिसिप्लिनड। ये स्टोरी हमें फिल्म सिटी के हॉलोनेस खोखलेपन और आर्टिफिशियलिटी कृत्रिमता के बारे में भी बताती है कि बाहर से लोग कैसे रहते हैं, अंदर से लोग कैसे होते हैं। द एंड ऑफ द स्टोरी विदाउट अ कंक्लूजन लीव्स अ सस्पेंस इन द माइंड ऑफ द रीडर्स। ये स्टोरी जब ख़त्म होती है तो ऐसा लगता ही नहीं कि स्टोरी की एंड हो गई, क्योंकि अभी एंड बाकी है ऐसा लोग सोचते हैं, तो इसलिए लोगों के मन में एक सस्पेंस रहता है। समटाइम्स द स्टोरी is left in suspense when the story writer wants to write the other part of the same story. और कई बार क्या होता है, राइटर के द्वारा भी स्टोरी हाफ में ही छोड़ दी जाती है ताकि लोगों के अंदर सस्पेंस बना रहे। और राइटर ऐसा क्यों करता है, ताकि वो इसका दूसरा पार्ट लिख सके। जैसा कि आपने बाहुबली वाली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली फर्स्ट में उसने वो ला के वहाँ पर छोड़ा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो एक सस्पेंस बनाए रखा ताकि वो दूसरा उसका पार्ट ला सके। तो ऐसे कई बार राइटर भी कर देता है, दूसरा पार्ट लाने के लिए एक सस्पेंस पे ला करके स्टोरी को छोड़ देता है। तो हो सकता है कि मनोहर मालगोनकर भी ऐसा कर रहे हों। चलिए देखते हैं इस स्टोरी के बारे में देखते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है कि देयर वॉज अ लोअर डिवीजन क्लर्क, ही अट्रैक्टेड विद सुंदरबाला अ फेमस फिल्म हीरोइन। लोअर डिवीजन क्लर्क है जो सुंदरबाला से जो फिल्म हीरोइन है उससे अट्रैक्टेड है। ही हैड हर थ्री फोटोग्राफ्स इन हिज रूम एंड वन इन हिज वैलेट। उसके पास उसके तीन फोटोग्राफ है उसके अपने दीवार पे लगा रखा अपने रूम के, और एक फोटोग्राफ अपने पॉकेट में रख रखा है उसने सुंदरबाला का। ही न्यू ऑल सॉन्ग्स ऑफ सुंदरबाला फिल्म, वो सुंदरबाला की फिल्म के सारे गाने जानता है। ही सेंग्स देम विद द सेम रिदम इन द सेम टोन। वो उनके गानों को या उसके फिल्म के गानों को उसी रिदम और उसी टोन के साथ गाता रहता है। वंस ही सा
poster of Sundarbala and was so much lost in that he continued looking at it for a long time and he lost his place in the queue. एक बार जब वो जा रहा होता तो एक सुंदरबाला के बड़ी सी पोस्टर को देखता है और उस पोस्टर को देख करके वो उसमें इतना खो जाता है कि उस पोस्टर को देखता ही रहता है और देखते देखते क्या होता है कि वो जो लाइन में चल रहा होता है अपनी लाइन से भटक जाता है, उसकी लाइन ही अलग हो जाती है। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। ही यूज टू डू फॉर वेट फॉर सुंदरबाला ऑन द वे सी यूजली पास्ट। वो प्रायः उस रास्ते पर खड़ा रहता था जहाँ से वो मोस्टली गुजरती थी। द लोअर डिविजन क्लर्क हैज सीन ओनली हर फोटोग्राफ्स बट नॉट हर रियल सेल्फ। लोअर डिविजन क्लर्क ने सुंदरबाला को ओनली फोटोग्राफ्स में देखा था, वास्तविकता में उसने उसको कभी नहीं देखा। सी वॉज फेमस फिल्म स्टार एंड वॉज नोन फॉर हर ब्यूटी। वो बहुत फेमस स्टार थी और अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती थी। She had two bodyguards who always accompanied her. उसके पास दो bodyguard होते थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे। Once she came to market to buy some costly jeweled gold-plated fountain pen. एक बार वो market में आती है gold-plated fountain pen खरीदने के लिए और उस समय जो lower division clerk है वो वहाँ पे खड़ा रहता है बूचम जी के store पे और वहीं पे वो पहली बार उसको देखता है। इट वॉज फॉर फर्स्ट टाइम दैट द लोअर डिविजन क्लर्क सा हर इन रियल फॉर्म। द पसर बाई वर पॉइंटिंग टूवर्ड्स हर विद देयर फिंगर। जो वहाँ पे आसपास जाने वाले थे वो हीरोइन की तरफ उंगली दिखा दिखा करके बात कर रहे थे और वही एक टाइम था जब वो उससे पहली बार मिला। एक्चुअली हुआ क्या कि वो गई थी तो और वहाँ पे शॉप पे फाउंटेन पेन खरीदने के लिए स्टेशनरी शॉप पे गई थी और उससे पूछी, जब उसने मना कर दिया कि इस तरह का पेन उसके पास नहीं है तो वो जल्दी में अपना गॉगल्स वहाँ पे भूल आई और लोअर डिवीजन क्लर्क ने देखा और उसका गॉगल्स उठा के दौड़ते हुए उसके पास गया और उसने उसको दिया और उसने गॉगल्स जब उसको दिया तो सुंदरबाला ने उसके बदले में उसको थैंक यू कहा। तो ये पहली बार उसकी मीटिंग थी या पहली बार उसने उसको देखा था। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। द क्लर्क वॉज वेटिंग एट द गेट्स ऑफ गजराज फिल्म कंपनी टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ सुंदरबाला व्हेन द फैटी डायरेक्टर केम इन हिज कार। एक बार क्या होता है कि लोअर डिवीजन क्लर्क गजराज फिल्म कंपनी के बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा होता है कि सुंदरबाला जो उस फिल्म कंपनी में काम कर रही थी वो यहाँ से निकलेगी और उसको देखेगा। ठीक उसी समय सुंदरबाला तो आई नहीं थी लेकिन वहाँ पे एक मोटा सा डायरेक्टर उस फिल्म का या उस फिल्म कंपनी का वहाँ आता है। वो उसको बुलाता है क्लर्क को और उससे पूछता है कि कुड यू स्पीक हिंदी एंड कुड यू ड्राइव अ कार। क्या तुम हिंदी बोल सकते हो और कार भी ड्राइव कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क कुड डू द बोथ। लोअर डिवीजन क्लर्क ये दोनों काम कर सकता था, उसको हिंदी भी बोलनी आती थी और कार भी ड्राइविंग आती थी। ही टुक हिम अवे इनसाइड द गेट ऑफ द स्टूडियो और एंगेज्ड हिम to act extra job on 10 rupees every day. He was called up. और फिर वो उसको गेट के अंदर ले गया स्टूडियो के अंदर और उसने उसको एक एक्स्ट्रा जॉब दे दिया फिल्म में काम करने के लिए 10 रुपये पर डे के हिसाब से। द क्लर्क वॉज गिवेन द रोल ऑफ बैंडिट इन द फिल्म फूल वाली। क्लर्क को एक बैंडिट एक गुंडे का रोल दे दिया जाता है एक फिल्म फूल वाली में और उसको क्या करना होता है। इट वॉज इन दिस फिल्म दैट सुंदरबालाज वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ हीरोइन एंड रमाकांत दैट ऑफ द हीरो। ये वही फिल्म थी जिसमें सुंदरबाला हीरोइन और रमाकांत हीरो का काम कर रहा होता है और इस फिल्म में उसको क्या करना होता है वो देखिए। द सीन वॉज दैट सुंदरबाला हैड बीन डांसिंग लॉन्ग इन द फॉरेस्ट एंड अ बैंडिट केम एंड स्नेज्ड अवे हैवी बीड नेकलेस फ्रॉम हर नेक। इस सीन में ऐसा दिखाया गया है कि वो फॉरेस्ट में डांस कर रही होती है और उसके गले में एक बड़ी बड़ी मोतियों की माला है और एक शैतान या एक गुंडा आएगा और उस माला को उसके गले से छीन के लेके वहाँ से भाग जाएगा। द क्लर्क हैज़ रिहर्स्ड हिज रोल सेवरल टाइम्स। क्लर्क ने
उसके गले से माला छीनने का जो रोल था बहुत रिहर्स किया, बहुत उसका रिहर्सल किया, और जब उसने सोचा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ तब वो संतुष्ट होकर के उस रोल के लिए गया। द बैंडिट कुड नॉट पुल द नेकलेस इजली, लेकिन जब उसको खींचने का नंबर आया तो वो उसके गले से उस नेकलेस को आसानी से नहीं खींच पाया, और ऐसा करते हुए उसने जब अपना पूरा पावर लगाया खींचने के लिए तो नेकलेस इट हर्ड सुंदर बालाज नेक, उस नेकलेस ने उसके गर्दन को क्या कर दिया, हर्ट कर दिया, या उस पर गर्दन पर उसके चोट आ गई सुंदर बाला के। सी गॉट वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गई। रमाकांत द हीरो केम टू हर रेस्क्यू, रमाकांत आ जाता है उसके बचाव के लिए। एनी हाउ द फैटी डायरेक्टर केस द सिचुएशन, और जो फैटी डायरेक्टर है उसने इस सिचुएशन को हैंडल किया और उसने कहा कि ये सीन वापस से फिल्माया जाएगा। द सीन वॉज कॉस्ट अगेन, वापस से सीन फिल्माया गया। दिस टाइम द नेकलेस वॉज ईजली पुल्ड अप, इस टाइम नेकलेस को आसानी से खींच लिया गया। रमाकांत केम टू रेस्क्यू द गर्ल सुंदर बाला, और रमाकांत हीरो के रूप में आ जाता है उस कुंडे की पिटाई करने के लिए, सुंदर बाला को सेव करने के लिए। और ही कॉट होल्ड द बैंडेड शोल्डर एंड क्रैश्ड हिज राइट फिस्ट इनटू द बैंडेड चिन, और उसने बैंडेड को गुंडे को पकड़ लेता है और पकड़ करके उसके ठोड़ी पे या गाल पे एक जोरदार घुसा मारता है, अपने दाहिने हाथ से एक जोरदार घुसा मारता है। हिज चिन वॉज हर्ट, उसकी ठोड़ी बहुत घायल हो जाती है या उसकी चोट लग जाती है। ही कुड नॉट कंपोज हिमसेल्फ एंड फेल डाउन स्ट्रेट अवे, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है, कौन क्लर्क, और ज़मीन पे गिर जाता है। इट वॉज अ वंडरफुल एक्शन एंड द फैटी डायरेक्टर लाइक्ड इट वेरी मच, ये बहुत ही वंडरफुल एक्शन था या सीन था और फैटी डायरेक्टर इस बात से बहुत खुश था। इन द अदर सीन रमाकांत वॉज टू एक्ट अ फुगेटिव एंड हैड रोमांस विद सुंदर बाला विद बाई लेक साइड, अगले सीन में क्या था, रमाकांत को सुंदर बाला के साथ झील के किनारे क्या करना था, रोमांस करना था, रोमांस का सीन प्ले करना था। द क्लर्क वॉज टू प्ले द रोल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर, और क्लर्क को क्या रोल दिया गया था कि क्लर्क पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करेगा और वो अरेस्ट करेगा उस लवर को जो प्रेम कर रहा है, मतलब रमाकांत को, और उसको पुलिस के वैन में लॉकअप में रखेगा और वहाँ से वो उसको लेकर के चला जाएगा और कोर्ट में जज के सामने प्रेजेंट करेगा। ये सीन था। अब इस सीन को प्रेजेंट करने के लिए या प्ले करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए संतोष सिंह एक अगला कैरेक्टर जो स्टोरी का है, यंग सिख हैड पैशन फॉर मोटरसाइकिल। संतोष सिंह जो कि इसका क्लर्क का दोस्त है, उसको मोटरसाइकिल के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, मोटरसाइकिल चलाना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। द क्लर्क एंड संतोष सिंह वर फ्रेंड्स एंड दे मेड अ प्लान टू डिस्टर्ब द रोमांस सीन ऑफ सुंदर बाला एंड रमाकांत। अब सुंदर बाला और रमाकांत रोमांस करें और क्लर्क उनको देख करके खुश हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि क्लर्क भी सुंदर बाला से प्रेम करता है, तो वो जेलस की फीलिंग आ गई उसके अंदर। उसने संतोष सिंह के साथ प्लान बनाया कि जब ये रोमांस करेंगे तो हम लोग इनको डिस्टर्ब करेंगे, इनको रोमांस करने नहीं देंगे, इस सीन को शूट नहीं होने देंगे। फिर क्या हुआ, एट अ टाइम ऑफ शूटिंग ऑफ दैट सीन संतोष सिंह वुड पास दैट वे विद थंडरिंग साउंड ऑफ हिज मोटरसाइकिल, और जैसे ही वो सीन शूट होने लग गया तो ये जो संतोष सिंह है अपने गाड़ी की बहुत तेज आवाज़ के साथ वहाँ से गुजरता है और सीन शूट नहीं हो पाता, और उसने ऐसा कई बार किया और सीन जो है पूरी तरह से क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। देन देयर वॉज द शूटिंग ऑफ सीन इन विच द क्लर्क जो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में होता है वॉज टू अरेस्ट एंड हैंडकफ द फुगेटिव रमाकांत एंड पुट हिम अप इन द लॉकअप ऑफ पुलिस वैन। अगले सीन में क्या था कि पुलिस इंस्पेक्टर जो क्लर्क बना था उसको आना था और रमाकांत को अरेस्ट करके पुलिस वैन में लेकर के जाना था। उसने ऐसा ही किया, उसने अपना रोल अच्छे से प्ले किया, लेकिन जब उसने रमाकांत को पुलिस वैन में रखा और लेकर के जाने लग गया और उसके बाद डायरेक्टर सीन को कट 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 बोलता रहा, मतलब सीन पूरा हुआ, अब रुक जाओ,
वो रोकता रहा, लेकिन क्लर्क जो है उसको उस पुलिस वैन की गाड़ी में बैठा करके लेके भागता ही रहा, भागता ही रहा, चलता ही रहा, रुका ही नहीं। फिर आगे जा कर के वो एक स्टेशनरी की दुकान पे जाता है और एक रेड कलर का मार्कर लेकर के और एक बड़ा सा पेज लेकर के उस पर लिख देता है। क्या लिख देता है उसमें उसने कि डेंजरस ल्यूनेटिक कीप्स अवे, इस गाड़ी में एक खतरनाक पागल है, इस गाड़ी से दूर रहो। ऐसा लिख करके वो गाड़ी के पीछे चिपका देता है और ले करके जाता रहता है, गाड़ी जाता रहता है और ले जा करके एक जगह पे वो उस गाड़ी को खड़ी कर देता है और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं उसको देखने के लिए, इसमें कौन सा पागल है। तो इस तरह से वो रोल प्ले करके या ऐसा करके वो अपने मन को सांत्वना देता है, अपने मन को खुशी देता है, अपना रिवेंज पूरा करता है, जैसा कि रमाकांत ने उसके ठोड़ी पर मारा था, तो वो इस तरह से अपने रिवेंज को कंप्लीट करता है। तो आपने देखा कि कैसे कैसे एक लोअर डिवीजन क्लर्क या एक लो कैटेगरी के व्यक्ति का प्रेम एक अपर क्लास के लड़की से करने से क्या रिजल्ट निकल के आया, कैसे इनका प्रेम जो है अनसक्सेस हो गया, कैसे इनको इनके प्रेम की सफलता नहीं मिली। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि कैसे एक तरफा प्रेम था इनका जो सफल ही नहीं पाया, और इस एक तरफा प्रेम का रिजल्ट क्या निकल के आया, जेलस, रिवेंज और केवल डिस्टर्बेंस। ओके बच्चों, तो जैसा कि आपने देख लिया बहुत प्यारी सी लव स्टोरी थी और हमने इसको कंप्लीट भी कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। सो इट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल दैट टाइम गुड बाय, थैंक यू।